नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बबीता रैखवाल। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब सभी दलों की तैयारी 7वें चरण की है। 7वें चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। ऐसे में भारत एक्सप्रेस अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी सुर्खियों के जरिए आपको बताएगा क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सियासी माहौल में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 26 मई की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1, 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई रविवार को यूपी के मिर्जापुर, घोसी और गोरखपुर के बांसगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके बाद पीएम 28 मई को दोपहर 12:15 झारखंड के दुमका, 2:30 बरसात, 4:00 जादवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6:00 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम कोलकाता उत्तर में रोड शो करेंगे और शाम 7:00 स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 29 मई को पीएम सुबह 11:00 मथुरापुर, 1:00 मयूरभंज, 2:30 बालासोर और शाम 4:30 केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार उसे सस्पेंड कर देती थी। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। घोसी में पीएम ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी असली 3 साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नंबर 1, संविधान को बदल कर लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। नंबर 2, SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे। नंबर 3, पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने का प्लान है। नंबर 4, अमित शाह ने बिहार के काराकाट में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते रोज 6 चरण के चुनाव पूरे हो गए और मेरे पास 5वें चरण के चुनाव की रिपोर्ट है। अमित शाह ने जनता से कहा कि 5वें चरण में ही मोदी जी 310 सीट जीत चुके हैं। इसके अलावा अमित शाह ने काराकाट की जनता से पूछा कि कश्मीर हमारा है या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उनसे POK मत मांगो। उन्होंने कहा कि हम काराकाट की भूमि से राहुल गांधी को कहना चाहते हैं कि हम एटम बम से नहीं डरते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि यह सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन कह रहा है 5 साल में 5 PM मिलेंगे, ऐसा कोई करता है क्या? कोई मिस्त्री तक नहीं बदलता तो ये लोग PM बदलने चले हैं। जहां PM अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहेगा, वहां काम क्या करेगा? डूबने वाली कंपनी का कोई शेयर खरीदेगा क्या? इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी, घोर परिवारवादी हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है, ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं। नंबर 6, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति का जिसका डायरेक्ट परमात्मा से संबंध है, उसको संविधान की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट बात कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के समय कहते हैं थाली बजा दो, जबकि दिल्ली में यमुना पार हजारों लाशें रखी हुई थी, अस्पतालों में जगह तक नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा था जिनको परमात्मा ने भेजा है वो ऐसे वक्त में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा रोजगार मांगने पर PM नाली से गैस वाला आइडिया देते हैं।
नंबर 7, जहानाबाद में रैली के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो क्या जाने अपने पिता के कारनामे बिहार को क्या क्या दिक्कत उठानी पड़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा 2005 से पहले जहानाबाद में 3 बजे के बाद ना कोई आता था और ना ही जाता था। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं और अपहरण हो रहे थे, ये तेजस्वी यादव क्या जाने बाप के कारनामे बिहार को क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी है, मैं नहीं भूला हूं अभी तक। नंबर 8, पंजाब में अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं और इस कड़ी में पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं देश बचाने की अपील करने आया हूं, हम एक समय की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पारित बिलों को रोककर जनतंत्र के ऊपर हार कर रहे हैं, ये जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नंबर 9, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को वाराणसी में भाजपा की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है, यहां के लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति पर गर्व करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 को हमने पूरे देश में करीब 60 शहरों में उत्सव की तरह मनाया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहां टूरिज्म में वृद्धि जरूर होगी, हम काशी को प्रमोट करना चाहते हैं, हम इसकी अंतरराष्ट्रीय छवि चाहते हैं। नंबर 10, बिहार के रोहतास में ओवैसी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मुसलमानों को अपमानित करते हैं, मेरी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई अन्य नेता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो लोगों की समस्याएं कोई नहीं सुनेगा, अगर युवा नौकरी के लिए आवाज उठाएंगे तो वे मंदिर पर ताले का हवा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही पूजा करें। आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही, चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।